लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाबी दंगल मैदान आज लगेगा। 14 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। सदारती नशिस्त पर हफीजुर रहमान, खादिम हुसैन कैसर और साजिद बशीर आमने सामने। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। बार इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। खवातीन के लिए अलग बूथ कायम। हाईकोर्ट के दाखिली और खारजी रास्ते वोटर्स के लिए खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से मुल्हिका सड़क बंद की जाएगी। तमाम मेंबरान को मेंबरशिप कार्ड हमरा लाने की हिदायत। JIT रिपोर्ट में सानहे साहिबाल हादसा करार। जराए का दावा, दहशतगर्दी की तला पर CTD ने ऑपरेशन किया। जीशान दहशतगर्द, अहलकारों की फायरिंग से खलील और उसकी फैमिली जान बहक हुई। जीशान की गाड़ी से फायर नहीं हुआ, अहलकार कसूरवार करार। JIT रिपोर्ट के हवाले से जराए का दावा। हुकूमत का रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। पंजाब हुकूमत की JIT रिपोर्ट मिलने की तस्दीक। हुकूमत रिपोर्ट दबाएगी नहीं, जमादारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान शहबाज गिल। डॉल्फिन फोर्स का मकतूल जीशान के भाई की सिक्योरिटी क्लियरेंस का फैसला। एहतशाम कैंट डिवीजन में बतौर डॉल्फिन अहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहा है। बगैर इजाजत एहतजाज करना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। एहतजाज पर 6 माह कैद और 1 लाख तक जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत ने रेड जोन बिल 2018 की मंजूरी दे दी। हसास इमारतें, कमर्शियल तिजारती मुकामात को रेड जोन करार दिया जा सकता है। हुकूमत किसी भी गुजरगाह, पार्क, शादी हॉल, पेट्रोल पंप्स के मुकामात को रेड जोन करार दे सकती है। एहतजाज के लिए हुकूमत जगह मुख्तस करेगी। नए कवानीन तैयार। पंजाब असेंबली में गर्मा गर्मी। अरकान असेंबली के एक दूसरे को शट अप के रिमार्क्स। तलखी। अपोजिशन रुकन शहजादी गुलनास के सवाल पर वजीर तालीम मुरादराज के जवाब पर हुई। वजीर तालीम के फंड्स खाने के ताने पर शहजादी गुलनास का ज़कात फंड्स खाने का इल्ज़ाम। अपोजिशन का वॉकआउट। पंजाब असेंबली का इजलास सोमवार तक के लिए मुलतवी। अवामी तकलीफ से बेखबर, अपने रिलीफ पर नजर। अवामी नुमाइंदों ने अपने बड़े रिलीफ का बंदोबस्त कर लिया। अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों का प्राइवेट बिल ऐवान में लाने का फैसला। तनख्वाहें और मुर्रा 86,000 से बढ़कर 4 लाख हो जाएंगी। अपोजिशन की भी हिमायत का इम्कान। नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कहाँ होगी? ताहाल फैसला ना हो सका। इंतजार कर रहे हैं, हुकूमत के कहने पर एंजियोग्राफी कराएंगे। नवाज शरीफ ने इनकार नहीं किया। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का रद्द अमल। ताखीर होने पर कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत और डॉक्टर्स होंगे। डॉक्टर अदनान की गुफ्तगु। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जिना अस्पताल आमद। नवाज शरीफ की अग्यादत की कारकुनान की जानिब से नारेबाजी। स्पीकर आजाद कश्मीर असेंबली शाह गुलाम कादिर की भी जिना अस्पताल आमद। नवाज शरीफ से अयादत की इजाजत ना मिली। भारतीय मुआशी दहशतगर्दी के खिलाफ सनतकार भी मैदान में। एप्टमा कयादत का भारत से तिजारत बराबरी की सतह पर करने का मुतालबा। ओहदेदारों का कहना था कि पाकिस्तान भी भारतीय माल पर दरामद ड्यूटी 200% बढ़ाए। कॉटन और धागे में खुद कफील होना होगा। हुकूमत IPs के साथ हुकूमत मुआहदों पर नजरसानी करे। महंगी बिजली के नाम पर सालाना 200 अरब करप्शन हो रही है। सीवरेज सिस्टम की सहूलियात। पंजाब हुकूमत का अहम कदम। वासा सर्विस एरिया को बढ़ाने का फैसला। बंद रोड से मुल्हिका दरियाए रावी की जमीन पर आबादियों को भी ड्रेनेज सिस्टम मुहैया किया जाएगा। MD वासा कहते हैं नए सीवरेज का PC1 आइंदा हफ्ते हुकूमत को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। CIA कोतवाली की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस इमारत खस्ता हाली का शिकार। 104 साल इमारत तर्ज तामीर के लिहाज से अपनी मिसाल आप है।
کھلی کچہریاں عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام یا کامیاب، ڈی سی لاہور صالحہ سعید کہتی ہیں۔ کھلی کچہری میں ہر طرح کی شکایات آ رہی ہیں، جو افسر کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا، حل ہونے والے مسائل فوری حل کیے جاتے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز وقاص نذیر کہتے ہیں، شہری اپنی شکایات لے کر کسی بھی وقت میرے دفتر آ سکتے ہیں، پولیس میں جزا اور سزا کا واضح نظام موجود ہے۔ کھلی کچہریوں میں زیادہ لین دین کی شکایات آتی ہیں۔ لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو۔ باغبان پورہ کے پاک ایمز گرامر سکول کے زیر اہتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات، بچوں کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ٹاکرے کا تیسرا روز، بلڈنگ اے میں 7 مختلف مقابلے، 250 سے زائد طلبا نے حصہ لیا۔ ڈانس پرفارمنس، کوکنگ ٹیموں کا اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ، تماشا تھیٹر کے عنوان سے ڈراما بھی پیش کیا گیا۔ طلبا کا جوش و خروش دید دی، یونیورسٹی انتظامیہ کی کاوش کو سراہا۔ سی پی طلبہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں پیش پیش، بلڈنگ بی میں 5 مختلف مقابلے، 150 طلبہ شریک، مقابلہ حسن نعت میں 16 طلبہ نے سما باندھ دیا۔ ادبی موضوعات پر بحث و مباحثے، ہارورڈ کیس پر بھی مطالعاتی مقابلے، فوٹوگرافی، فلم اور تھیٹر کی ٹیموں نے بھی اپنا فن دکھایا۔ شاندار پلیٹ فارم ملنے پر طلبہ خوش۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں فیشن شو اور میوزیکل نائٹ، دیدہ زیب ملبوسات میں ماڈلز کے ریمپ پر جلوے، نامور گلوکاروں نے آواز کا جادو جگا کر سما باندھ دیا۔ شاندار پرفارمنس پر طلبہ بھی جھوم اٹھے۔ اور علم و ادب کی بڑی بیٹھک، الحمرا ہال میں 3 روزہ لٹریری فیسٹیول کا پہلا روز، ثقافت، ادب اور فنون لطیفہ، سیاسی سماجی مسائل پر پینل گفتگو، کلاسیکل میوزیکل بینڈ کی سرتال نے سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔